देखिए जिस तरह हमने रनिंग को फंसा लिया उस तरह पर क्या करेंगे कि स्टार्टिंग को भी फंसा लेंगे। तो चार कॉल इसमें रनिंग का रहता है और चार स्टार्टिंग का रहता है, तो बिल्कुल आराम से और सेफ में लेकर फंसाना, और जितना तार की सेफिंग होगी उतना ही बेहतर और उतना ही ज़्यादा स्पीड पंखा चलेगा और लाइफ टाइम भी ज़्यादा चलेगा। और फंसाने के बाद इसको क्या करना है कि लॉक को लगा लेना है, देखिए इस प्रकार। और इसी प्रकार हमको सभी कॉइलों को बारी बारी से फंसा के ओके करना है, ठीक है। तो हमने इसमें हाई स्पीड का ये कूलर मोटर बना रहे हैं, तो हमने तो रनिंग में ही हाई स्पीड निकाल दिया है और स्टार्टिंग आप डाल रहे हैं, बिल्कुल सेव करके ही इसको अच्छी तरीक़े से बनाना है, देख सकते हैं। और इतना सावधानी से बनाना है कि वायर को टूटे ना, अगर वायर बीच में स्क्रैच आ जाता है या टूट जाता है तो फिर ये आपका सही से लास्टिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से तो मैं ये अब देखते हैं चारों को स्टार्टिंग और रनिंग को फंसा लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो स्टार्टिंग है और इधर मेरा हाई स्पीड, लो स्पीड और मीडियम स्पीड निकाल लिए हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि ये मेरा हो गया हाई स्पीड, उसके बाद मेरा हो गया मीडियम स्पीड, उसके बाद मेरा एक ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग का, और उधर हो गया हाई स्पीड। देखिए ये मेरा हो गया क्या है, स्टार्टिंग है दोनों, फर्स्ट और इंड, ये मेरा फर्स्ट हो गया जो मेरा लो स्पीड रहेगा, उसके बाद ये मीडियम स्पीड रहेगा, उसके बाद ये मेरा लो स्पीड रहेगा। तो इस प्रकार से हमने निकाला है, तो दो को हमने कॉमन करके कैपेसिटर में देख के और इस प्रकार से निकाल देंगे। तो ये दो ब्लैक वायर हमने कैपेसिटर के लिए निकाल दिया है, और ये लो मीडियम हाई है, और एक में हम करेंट को देंगे, ठीक है। तो आइए इसको फिटिंग के तरफ चलते हैं, फिट करके दिखाते हैं कि अभी किस थ्री स्पीड काम कर रही है या नहीं कर रही है। और ये इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको कोर्स की इंक्वायरी लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी ले कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल ही बारीकी तरीके से और अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप अगर मार्केट में काम करते हो तो किसी की मदद और सहायता नहीं लेना पड़ता, और डायरेक्टली आप शॉप को खोल कर वर्क को आप कर पाते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी फॉल्ट प्रॉब्लम को बताया जाता है और इस तरह का ज्ञान दिया जाता है, ताकि किसी भी मॉडल, किसी भी कंपनी का कोई भी उपकरण आ जाए आपके पास, अगर आपने कभी देखा भी ना हो, उसे भी आप रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पे नॉलेज दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़के हैं, ये मेरा तो ये फिटिंग कर रहा है, अच्छे से बैठाइएगा। ये पेडिकल रूम है, यहाँ पे टोटल सामान पेडिकल के रखे हुए हैं जो पंखे मोटर के होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर थ्योरी और पेडिकल दोनों ही अच्छी तरीके से बताया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि मोटर पूरा बिल्कुल तरीके से फिट हो चुका है, अब इसको चलाया जा रहा है। तो देखिए लो मीडियम हाई स्पीड करने के लिए हम इनको कहते हैं, तो आपको बताते चले कि लो पर डालिए, देखिए ये लो भी हो रहा है, मीडियम कीजिए मीडियम, तो आपको बता दें कि मीडियम है, उसके बाद हाई कीजिए, ये मेरा हाई हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, थोड़ा हाई पर दीजिए, उंगली लगाते हैं, देखिए इस तरह से मेरा